إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. आज हम एक नया मौजू शुरू करने वाले हैं, क्या मौजू हमारा आज का? सही अकीदे की अकीदा किसको बोलते हैं? और रसूल को मानना अकीदा नहीं? अल्लाह उसके नमाज पढ़ना अकीदा है, हक बात को मानना ये अकीदा है, माँ बाप का कहना माने, अकीदे के माना क्या है? अच्छा, अकीदा का लफ्ज आया कहां से? डिक्शनरी किए थे कोई आदमी ने, बहुत अकीदा अकीदा का, पहले बता अकीदा का मतलब क्या है? बोले अरे ये तो कभी पूछा ही नहीं मैंने। एक कर देना, और तौहीद के माना? सब अकीदा का लफ्ज ये बना है अरबी जबान के लफ्ज उकदतुन से, जिसकी जमा है उकद। ये दोनों लफ्ज कुरान में है कि नहीं मालूम होगा आप लोगों को। रब्बी शराहली वयस्सिरली वाहलुल उकदतम मिन लिसानी, उकदा वहलुल उकदतम लिसानी, मेरी जबान में जो गिरह है, नॉट है, गांठ है, उस गिरह को खोल दे। तो जो गिरह लगाते हैं, गांठ बांधते हैं, इसको क्या कहा जाता है अरबी जबान में? उकदा, जिसकी जमा क्या है? उकद। उकद का लफ्ज है क्या कुरान में? वमिन शर्रिन नफ्फाथाती। अरे तो मालूम था, बहुत सारी चीजें मालूम होती लेकिन नहीं मालूम होता है कि मालूम है। इसको कोई लेबल मैं नहीं दूंगा, इसलिए देखिए बाज औकात आदमी को खुद अपने स्टॉक में क्या है मालूम नहीं रहता है। तो ये कुरान में है, जिसमें से हम में से अक्सर को ये आयत याद है जिसमें ये लफ्ज आया है, वमिन शर्री नफाताति फिल उकद। उकद गिरहों में फूंक लगाने वालियों के शर से, यानी जादू, गांठ बांध के उसमें फूंक मारती है वो धागों में। तो बांधने के मीनिंग में अकीदा आता है। अकीदा उलमा कहते हैं ऐसी चीज को कहते हैं जिससे आदमी अपने दिल को बांध के रखे किसी चीज के साथ। जैसा घोड़ा है मसलन, भाग के जाएगा तो आप क्या करोगे उसको? एक खूंटे से उसको, तो मतलब उधर टिका रहे। तो कोई चीज जो आदमी जिसको, जिसके साथ दिल को या दिल के साथ जिसको बांध के रखे, गिरह लगा अच्छे से मजबूती से, बोलता ना आदमी मेरी बात गांठ मार के सुनो, गांठ लगा लो मेरी बात को, गिरह लगा के सुन लो, कहता ना आदमी का। तो एक आदमी जो है मतलब किसी चीज को पुख्तगी के साथ कहता है, उस पर अपने दिल को जमा लेता है, अपने दिल को उसके साथ बांध के रखता है, उससे जुदा होने नहीं देता, भागने नहीं देता,
जिसके ऊपर आदमी मजबूत यकीन रखता है उसको क्या कहते हैं? तो आम बातें जिनको आदमी मान लेता है या इस तरह की चीजें रोजाना चलती रहती है, कोई आदमी मेरा अकीदा है कि 9:15 है ऐसा बोलता है आदमी, मतलब ये दीन के साथ इसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है नहीं, ये दुनिया में मामला है। ऐसी चीजों में अकीदे का लफ्ज आता है, या मेरा अकीदा है आज बारिश होगी बोलता है आदमी, नहीं बोलता है। तो दीनी मामलात में पुख्ता यकीन के साथ जो चीज आदमी तस्लीम करता है उसको क्या कहते हैं? अकीदा कहते हैं। अकीदा सही होता है या गलत होता है? दोनों भी होता है। गलत हो सकता है अकीदा? हो सकता है अकीदा गलत हो सकता है? कुछ लोगों की गर्दन रुक गई। हो सकता है ना अकीदा गलत? अब ज्यादा लोग सही बोल रहे हैं, सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। अकीदा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अकीदा गलत क्यों हो सकता है? क्या आदमी के लिए मुमकिन है कि किसी चीज को जाने बगैर उसको माने? कैसा पॉसिबल है? इन्हें एक चीज में मानता हूं लेकिन जानता नहीं हूं, ऐसा है? ऐसी कौन सी चीज है बताइए, नाम तो बताइए। एक आदमी जिस चीज को मानता है उसके बारे में तफसीली इल्म हो सकता है उसको नहीं हो, लेकिन उसको जानता ही नहीं और मानता, ऐसा होता? ऐसा नहीं होता है। एक आदमी किसी चीज को जानता है फिर उसको मानता है, तो जो इल्म उसका है अगर वो सही होगा तो उसका अकीदा भी क्या होगा? सही होगा। और अगर इल्म उसका गलत होगा तो अकीदा भी क्या होगा? गलत या सही इल्म और सही अकीदा, इसकी एक मिसाल दीजिए। सही इल्म है उसका सही अकीदा है, क्या मतलब है? कोई मिसाल ऐसी चीज कि आदमी जानता है और मानता है और ये सही अकीदा है, ऐसी क्या चीज है? अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह अर्श पर है। अब इसमें इख्तलाफ हो सकता नहीं, अल्लाह एक है में इख्तलाफ मुसलमानों में है क्या? कोई बोलता नहीं मैं इसमें उलमा का इख्तलाफ है, ऐसा कोई बोला आज तक? अल्लाह एक है इसमें कोई इख्तलाफ? तो इल्म भी सही है और ये अकीदा इसके मुताबिक अगर कोई बनाए तो सही है कि गलत है? सही है। ऐसी मिसाल दीजिए कि अकीदा गलत और इल्म भी गलत। ऐसी मिसाल दीजिए जो बहुत आसानी से मालूम पड़ता गलत है, ये अभी बहस में जाएंगे हम, एकदम सिंपल। हाँ वही हो गया, वो दूसरा आसान मिसाल जो हर आदमी समझ सकता है, कोई है? परी है, चांद में परियां, सही है। बच्चों का अकीदा स्कूल से खराब होना शुरू होता है, अम्मा बाजी कहती चांद में परियां रहती, तो बाद में वो परियों के पीछे भागने वाला होता है। परियों का वजूद है कुरान और सुन्नत में है? बोलिए है ना, वजूद किताब में लिखे हुए हैं ना, देखो। तो परियों का कोई वजूद इसकी कोई दलील नहीं है। कोई हूर को परी के साथ मिक्सअप नहीं करे, परियां दुनिया में बोलते हैं लोग रहती हैं, हूर जन्नत की होती है। दुनिया में हूर होती क्या? दुनिया में हूर नहीं होती है, हूर जन्नत में है। लेकिन परियों के बारे में क्या अकीदा लोगों का? बच्चों को भी बताते हैं परी है, बहुत सारे लोग जिन्नात निकालने वाले होते हैं उनको परी दिख रही, बच्चों को बोलते परी दिख रही क्या? बोलते हाँ परी दिख रही। तो परियों का वजूद नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग तस्लीम करते हैं। भूत, भूत का वजूद है? भूत किसको बोलते हैं? जो मर गया वो आता है वापस। तो क्या भूत होता है? तो ये सारे क्या हैं? गलत अकीदे। बिल्ली अगर रास्ता क्रॉस की, बिचारी गरीब किस्म की बिल्ली एकदम, तो काम बिगड़ता कि नहीं बिगड़ता? अब बिगड़ता। तो ये क्या है? सही अकीदा है ना? ये बिल्ली वाला अकीदा है, ये गलत अकीदा है कि बिल्ली के जाने से सामने से काम बिगड़ जाता है। या कोई आदमी जा रहा है, सर्दियों का मौसम है, घर वालों को जुकाम हो गया, बाहर जाने की कोशिश करता, पीछे से कोई छींकता है, फिर रुक जाता है,
क्योंकि पीछे से कोई आवाज दे या छींके तो क्या होता है, काम बिगड़ता कि नहीं बिगड़ता? बिगड़ता है, नहीं बिगड़ता। तो इस तरह की जितनी चीजें, ये क्या है? गलत अकीदा है। कहां से आता गलत अकीदा? क्यों एक आदमी का अकीदा गलत होता है? वजह उसकी, वजह क्या है? जहालत, सही इल्म का ना होना। समझ में आई बात? तो अब ये बात समझ में आएगी कि हम इल्म की अहमियत पहले क्यों लिए। इसलिए कि दीन में अकीदा सबसे अहम है, लेकिन अकीदा बिगड़ने का वजह उसकी, उसका सबब क्या होता है? आदमी का इल्म गलत होता है। क्योंकि अकीदे का मतलब है किसी चीज को यकीन के साथ मानना। तो आदमी किसी चीज को मानता है तो किसी, कोई चीज उसके सामने आती है पढ़ने में, सुनने में, देखने में या सोचने में, सोचने में, तो अब इन चीजों के बारे में आदमी अकीदा बना लेता है। एक आधा कोई जा रहा होगा गाड़ी पे या पैदल भी बैलगाड़ी पे, बिल्ली सामने से गई होंगी, गिरा होगा। दूसरी बार भी ऐसा हुआ होगा, बोलूंगा बिल्ली सामने जाती तो कुछ तो ऐसा होता है, उसने मशहूर कर दिया होगा, लोगों में चलते चलते बात चल गई होगी। तो बाद औकात आदमी का अपना एक्सपीरियंस होता है जिससे वो अकीदा बना लेता है। बोले देखो, जब भी मैं ये रास्ते से गया ना मेरा काम होता है, जब भी मैं ऐसा किया ना मेरा काम नहीं होता है। तो इस तरह से बाज औकात तजर्बे की वजह से भी लोग अकीदा बना लेते हैं। तो जो गलत इल्म होता है उसकी वजह से क्या आता है? गलत अकीदा। इसलिए हम जो आज बोलते हैं कि सबसे पहला काम यह है कि इल्म को सही किया जाए, ये सही बात है कि गलत है? क्योंकि अकीदा सही करने के लिए सबसे पहले क्या सही होना चाहिए? और इल्म कौन सा है जो सब मानते कि सही है? कुरान और सुन्नत का इल्म। ये इल्म सही क्यों है? तो अल्लाह की तरफ से इल्म जो हो उसमें गलती नहीं होती है क्या? और इंसान के इल्म में हो सकती है, इंसान के इल्म में गलती हो सकती है। तो हमको अल्लाह की तरफ से आए हुए इल्म की इत्तेबा करना है, ना कि कोई आदमी कोई बात बता रहा मेरे समझ में आता है मैं बोलता हूं ऐसा, उसकी इत्तेबा हमको नहीं करना है। हाँ, अगर ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो तो उसको हम तस्लीम करेंगे, नहीं तो नहीं। तो एक बात हम लोगों ने समझी, दो बातें समझ में आई, क्या क्या? नंबर एक, अकीदे के लफ्ज के माना क्या है? गांठ, गिरा, नॉट जिसको बोलेंगे हम, नॉट कौन सा? के वाला। तो हम अपने दिल को जिस चीज से बांध के रखते हैं यानी पक्का यकीन रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? अकीदा। और अकीदे में सही भी हो सकता है और गलत भी। तो नजात कौन से अकीदे पे, सही के गलत? सही अकीदे पे नजात है, सही अकीदे पे नजात है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सही इल्म हासिल करना पड़ेगा। कौन सा इल्म? सुन, अब एक सवाल है, क्या अकीदा लेने के लिए अकल जरिया है? अकल, अकल अकीदे से, यानी अकीदा जो लेना है इसमें अकल का दखल है कि नहीं है? कैसा है वो? इल्म समझने के लिए। कोई आदमी बोले मेरी अकल में बात आती कि सही है, तो क्या अकल मेयार है? इसको याद रखिए, बहुत सारे बोलते अकल नहीं, कुछ लोग बोलते अकल हां, इन दोनों में इफरात और तफरीत होती, इसको समझ लिए अच्छे से। क्योंकि अक्सर अकीदे की गुमराहियां अकल के रास्ते से आती हैं। बोले जाने का अपने को बादशाह के पास, तो कौन किसके जरिए से जाते? वजीर के जरिए से। बोले अकल में आती ना माती, इनको कैसा नहीं समझता मालूम है? कुएं में से पानी निकाल दे तो कैसा निकालते? वसीला है, दुनिया में वसीला है। तो अकल में बात आती कि नहीं आती? अकल में आती है। अब आप बताइए अकीदा और अकल में क्या रिलेशन है कि नहीं है? है ना? क्या रिलेशन है?
अकल समझने के लिए अकीदा चाहिए ना, हाँ बोल, अकीदा समझने के लिए अकल होना चाहिए, इसलिए अल्लाह ने इंसान को अकल दी है और उसको अकीदा कबूल करने का हुक्म दिया है, सही चीजें मानने का हुक्म दिया है। लेकिन क्या अकल की हैसियत तराजू की है कि जैसे मसलन कोई आदमी, ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं इसलिए कि आगे का दौर हमारे लिए है अकलानियून, भाई मेरी अकल में बैठेगा तो मानूंगा नहीं तो नहीं मानता मैं, ये आयत अपनी अकल में नहीं बैठती, ये हदीस अपनी अकल में नहीं बैठती, तो क्या अकल तराजू शरीफ है? कुरान और सुन्नत के जांचने के लिए क्या अकल तराजू और मियार है कि किसी की अकल में आए तो मानेगा नहीं तो नहीं मानेगा, क्या ऐसा अकल का मामला है? नहीं। फिर अकल कैसा है? अकल समझने के लिए जरिया है, जैसे देखने के लिए क्या है इंसान के पास? आंख है। वैसे किसी चीज को समझने के लिए क्या है? अकल है। क्या अकल में कमी हो सकती है? अकल किसी को नहीं समझ में आ रहा, ऐसा हो सकता है, एक चीज बेटे को समझ में नहीं आ रही बाप को, दोनों के पास अकल है कि नहीं है? और एक बाप को नहीं समझ में आ रही मां को समझ में आ रही, या उल्टा भी हो सकता है, मां को समझ में नहीं आ रही बाप को समझ में आ रही, तो ऐसा एक इंसान को एक बात समझ में आ सकती है, एक दूसरे इंसान को बात समझ में, अगर इसको हमने जज बना दिया, तराजू बना दिया, एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि कोई बोलेगा मेरे को नहीं समझ रहा, कोई बोलेगा मेरे को समझ रहा है, तो कुछ गलत बातें कम इल्म लोगों को समझ में आ जाएंगी और कुछ सही बातें कम इल्म वालों को समझ में नहीं भी आएंगी, तो क्या समझ में आने से गलत चीज सही हो जाती है और नहीं समझने में आने से सही चीज गलत हो जाती है? समझ में आई बात ये? तो अकीदे के सिलसिले में एक बहुत बड़ा फितना और गलत फहमी होती है कि अकीदे के लिए अकल तराजू है, क्या ये सही बात है? अकल का इस्तेमाल करना है अकीदे को समझने के लिए, लेकिन अकल की बुनियाद पर कबूल और रद्द हम कर सकते हैं नहीं, दलील की बुनियाद पर बात को कबूल और रद्द किया जाएगा। कौन सी दलील? किताबो सुन्नत की, किताबो सुन्नत की। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए हम इस दर्स में देखेंगे कि अकीदे की, या जिसको दूसरे अल्फाज में हम ईमान कहते हैं, ईमान के डिक्शनरी में मीनिंग क्या है? डिक्शनरी किसको बोलते हैं मालूम ना? बोलो डिक्शनरी भी मालूम नहीं। डिक्शनरी उस किताब को कहते हैं जिसमें हर लफ्ज का मतलब लिखा होता है, उसको क्या बोलते हैं? डिक्शनरी। उसको लुगत भी कहते हैं, शब्दार्थ क्या बोलते हैं उसको, है ना, शब्दकोश, तो डिक्शनरी बोलते हैं। उसमें ईमान के माना क्या है? या उसको हम शॉर्ट में और क्या बोलेंगे? सही बात, किसी की बात पर ईमान लाने को ईमान लाना बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग इस तरह से समझाते, अरे फिर वो वापस ईमान आया ना, التصدیق الجازم, تصدیق سچ ماننا, جازم کیوں؟ جازم پکا, مضبوط, پختہ, کسی کی بات کو سچا ماننا, لیکن یہ سچا ماننا کیسا ہونا چاہیے؟ کوئی آدمی ایسا بولے ایسا ہے کیا, देखते हैं, मतलब कुछ पक्का नहीं, मतलब उसको उसमें पक्का नहीं हो तो क्या ईमान बन गया? पक्का मानना, उसको क्या बोलेंगे? ईमान। किसी चीज की बात को सच तस्लीम कर लेना, लेकिन वो सच तस्लीम करना कैसा होना चाहिए? शक रहा तो वो ईमान बनेगा? शक नहीं, पुख्ता यकीन के साथ किसी चीज को तस्लीम करना, उसको क्या कहते हैं? ईमान कहते हैं। ठीक है, लेकिन शरई एतबार से इसके साथ कबूल भी होना जरूरी है।
सिर्फ किसी चीज को अकलन, हाँ सही है, ये ईमान नहीं बनता है, उसको दिल में कबूल करना भी जरूरी है। अगर कबूल नहीं करता है, जैसे मसलन किसी को आपने समझा, इसको समझ लीजिए अच्छे से, ईमान पे नजात है ना, ईमान वाला जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा? ईमान वाला जन्नत में जाएगा। अब कोई आदमी है, आपने उसको समझाया अच्छे से, इस्लाम हक है, कुरान सुन्नत में जो बातें हैं आपने अच्छे से समझाई, उसके अकल में आ गई पूरी बात, बिल्कुल सही है, और दिल बोल रहा है ये सही बात है, लेकिन वो कबूल नहीं कर रहा है, इस्लाम को कबूल नहीं कर रहा है, आपकी बात को तस्लीम नहीं कर रहा है, क्या वो जन्नत में जाएगा? लेकिन अंदर उसका क्या बोल रहा है, ये सही है बिल्कुल, तो तस्दीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अंदर से तो बोल रहा है उसके बिल्कुल सही है, लेकिन वो उसको कबूल कर रहा है, एक्सेप्ट जब तक कि नहीं करेगा, ईमान नफा नहीं देता। तो कबूल, तस्दीक के साथ कबूल होना जरूरी है। क्या अबू तालिब ने अपनी जिंदगी में कभी कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलते हैं? यानी अबू तालिब के नजदीक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? बिल्कुल दुनिया के मामले में या अल्लाह के मामले में? हर मामले में। अबू तालिब ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कहा ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत है, ऐसा कभी कहा? तो फिर अबू तालिब जन्नत में जाएंगे कि नहीं? क्यों? समझ में आए? तो मतलब एक चीज, एक इंसान की अकल कह रही हो ये सही है, उसका दिल बोल रहा है सही है ये, लेकिन अगर वो कबूल नहीं करता है तो वो क्या मोमिन होगा? इस बात को याद रखिए, जब तक कि आदमी कबूल नहीं करता है वो ईमान वाला नहीं होता है। मिसाल के तौर पर यहूदियों के बारे में कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, यारिफून आप इसमें नहीं है, ये यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यारिफूनहु, यारिफून अराफा पहचानना, यारिफूनहु इसको यानी इनको यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पहचानते हैं, कमा वैसे ही जैसे यारिफूना वो पहचानते हैं, अबना बेटे औलाद, हम उनके अपने, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसा पक्का पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। आदमी अपनी औलाद को पहचानने में गलती करता, किसका बेटा है समझ में नहीं आ रहा, ऐसा होता? अरे ये तो मेरा बच्चा है, ऐसा होता कभी? आदमी दूर से भी देखे तो पहचान, ए मेरा बेटा है, वो बराबर पहचानता है। यानी पहचानने में कंफ्यूजन होता है अपनी औलाद के, दूसरे के बारे में किसका बेटा है तू पूछ सकता है उसको, अपने बेटे को पूछेगा कभी? नहीं पूछेगा। एक आदमी अपनी औलाद को पहचानने में गलती नहीं करता है, जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं पक्का, वैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो पहचानते हैं कि ये अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन क्या वो इस पहचानने से, क्योंकि अंदर समझ में आता ना कि हैं अल्लाह के रसूल, क्या वो मोमिन हो गए? क्या जरूरी था उनके लिए? इसको याद रखेंगे, ये बहुत अहम चीज है, जो आम दुरूस में आती हैं नहीं आती है। ये मैंने बुनियादी बातें जिनको जानना जरूरी है। तो एक चीज मालूम हुई कि तस्दीक जाजिम को क्या कहते हैं? ईमान। लेकिन वो कहां है? डिक्शनरी में है। तो बोले डिक्शनरी में है कि इस्लाम में है कि क्या है? तो इस्लाम डिक्शनरी का पाबंद है कि नहीं है? नहीं है, इस्लाम डिक्शनरी का पाबंद नहीं है। डिक्शनरी में कोई चीज होती है, लेकिन इस्लाम में उस चीज का एक अलग इस्तेमाल होता है, उसके मुताबिक वो बात मानी जाती। मसलन अरबी जबान में सजदा, इसका क्या मतलब है? गिरना। तो कोई आदमी गिर गया, पांव फिसल गया, सजदा कर रहा हूं, उठाओ मत इसको।
करेंगे ऐसा, पहले उठा उठा उसको बेचारा गिर गया। तो कोई बड़े मियाँ गिर गए तो ये नहीं बोलेंगे सज्दे में है, सज्दे में, बोलेंगे अरे आओ मेरी हड्डी टूटी सज्दे में, जल्दी उठाओ दवाखाने ले जाओ मुझको। तो गिरना के माना क्या है, सजदा किया। कोई अरबी जबान में रुकू या रका, रुकू के क्या माना है, झुकना, झुकना। तो कोई आदमी अगर योगा कर रहा हो, एक्सरसाइज कर रहा हो, या उसके पैसे टेबल के नीचे हैं देखने के लिए झुका है वो, कहां गए मेरे पैसे, मेरा बैग कहां गए, रुकू कर रहा है वो, तो रुकू झुकना या दाएं झुक गया तो रुकू कहेंगे उसको। रुकू की खास कैफियत शरीयत में, ये चीजें समझें आप इन चीजों को, कि सजदा का डिक्शनरी में एक मीनिंग है, अगर चाहे वह गिरना है लेकिन गिरना ही को इस्लाम ने खास हैयत के साथ गिरना, जैसे आदमी आगे की तरफ गिरे, हाथों को टेक कर, घुटने टेक कर, नाक जमीन पर टिकाए, अदब के साथ जाए जमीन पर गिरे, इस तरह से, इसको क्या कहते हैं, सजदा। ये गिरना अलग है या हर गिरना सजदा होता है, हर गिरना सजदा नहीं होता है। या झुकना है आगे की तरफ झुके, सर कमर पीठ सब एक लेवल पे हो, हाथ घुटनों पे रखे और इस तरह से झुके, इस कैफियत को क्या बोलते हैं, ये रुकू है। हर झुकना रुकू होगा, नहीं होगा। तो कुछ चीजें डिक्शनरी में एक मीनिंग होता है, लेकिन इस्लाम उसमें एडिशनल चीजें उसकी खास कैफियत के साथ उसके माना रखता है। तो वो चीज इस्लाम की अलग मानी जाएगी और डिक्शनरी की अलग मानी जाएगी, उसमें करीबन मीनिंग वो होता है, लेकिन डिक्शनरी में आजाद होता है और इस्लाम में क्या होता है, उसका मतलब एक पाबंदी उसके साथ होती है, उसके खास माना होते हैं, ये बात याद रखिए। तो इस तरह से ईमान सिर्फ तस्दीक जाजिम को कहते हैं, वमा अंता बिमुमिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। यूसुफ अलैहि सलाम के भाइयों ने क्या कहा, वमा अंता बिमुमिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। यूसुफ अलैहि सलाम को झूठे तौर पर उन्होंने कुएं में डाल के उनके कपड़े खून में भिगो के लाए और कहा भेड़िया खा गया, सच था कि झूठता है, झूठता। अच्छा, बाप से आके क्या बोलने लगे, वमा अंता बिमुमिनिल्लना मुमिनिल्लना, आप हमारी बात पर ईमान नहीं लाओगे, हमारी बात पर यकीन नहीं करोगे, वलो कुन्ना सादिकीन चाहे हम कितना ही सच बोले, हम सच बोल रहे हैं, तुमको यकीन नहीं आता हमारे पर, लेकिन सच बोल रहे हैं हमको। तो ये क्या है, झूठे थे, झूठ बोलने वाले थे, झूठ बोला उन्होंने, लेकिन क्या कहा बाप से, हम सच बोल रहे हैं, तुम मालूम है हमको यकीन नहीं करने वाले। तो ये मुमिनिल्लना ये क्या है, सिद्क तस्लीम करना, इसको क्या कहते हैं। तो ये डिक्शनरी के एतबार से, लेकिन वो कोई दीन का मसला था, डेली मसला था, वो भाई को कुएं में गिर गया, भेड़िया उसको ले गया, यानी कुएं में इन्होंने डाला था। तो ये सब झूठ पर यकीन करने के एतबार से ये लफ्ज यहां पर आया है। तो मोमिन किसी की सच्चाई को तस्लीम कर लेने के माना में डिक्शनरी में आता है, समझ में आ गया, ठीक है। दीन में नजात के लिए ईमान और अमल दोनों जरूरी है, सही है। ईमान की मिसाल दीजिए और अमल की मिसाल दीजिए। नमाज पढ़ना ईमान है ना, अमल है, और आखिरत को मानना। नमाज कितनी मर्तबा है दिन में, और आखिरत को मानना कितनी बार है, एक बार है ना, दिन में एक बार कम से कम मान ले, बाकी नहीं भी माना तो चल ऐसा है। कितने घंटे आखिरत पे ईमान लाना फर्ज है दिन में, हर वक्त, यानी कोई टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें आखिरत को नहीं मानता, भाई मैं छुट्टी का टाइम है थोड़ा, ये कर सकते हैं ऐसा, ईमान फर्ज है उसके ऊपर, नमाज औकात में फर्ज है उसके ऊपर, नमाज हर वक्त फर्ज नहीं है उसके, वो अमल से ताल्लुक रखता है, ये ईमान से ताल्लुक रखता है। ईमान और अमल में दोनों अहम है, या ईमान अहम है या अमल अहम है, क्या है, दोनों अहम है।
ईमान ज्यादा अहम है या अमल ज्यादा अहम है? ईमान अहम है या अमल? समझ में आया फर्क? अहम क्या है दीन में, ईमान अहम है क्या अमल अहम है? दोनों। यानी अगर ईमान अहम है कोई बोलता है का मतलब ये कि अमल कुछ अहम नहीं है, नहीं भी करा तो चलता, ऐसा है? काहे को इतनी शरीयत अल्लाह ने भेजी? ईमान भी अहम है और अमल भी, लेकिन दोनों में क्या अहम है ज्यादा? ईमान अहम है या अमल? ईमान। तो ईमान और अमल में, दोनों में ईमान ज्यादा अहम है, अकीदा ज्यादा अहम है। क्यों ऐसा? उसको हमको आज के दर्स में और इससे आगे आने वाले दर्सों में हमको देखना है। इसकी एक दलील आज देखेंगे, क्योंकि हमको मशवरा भी करना है। हमारा जो 13 का इज्तिमा ईद मिलादुन्नबी की तहकीक, कोई बोलेंगे ये टॉपिक मतलब आप उन कब से मन लगे, बाद में देखेंगे बोले अपने पास भी है, चलो बहुत अच्छा हो गया, कुछ तो है, नहीं है अपने पास भी वो। उसकी तहकीक हमको प्रोग्राम अपना है जो 13 तारीख को आने वाला है, उसमें हम देखेंगे कि ये क्यों नहीं मनाते हम लोग, नबी से मोहब्बत है कि नहीं हमको। बहरहाल उसका मशवरा आगे आएगा। एक दलील हम आज के दर्स में देखेंगे जो आपकी किताब में पेज नंबर 11 पे पहली दलील है। हेडिंग क्या है? ईमान और सालेह आमाल की अहमियत। पहला, ईमान का जिक्र अमल सालेह से पहले है। कुरान करीम में चीजों की तरतीब की अहमियत होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ने फरमाया इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह के शाइर अलामात निशानियों में से, बड़ी निशानियों में से है, जिनको देखकर अल्लाह के अहकाम, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने नबियों की तारीख में जो चीजें की वो याद आती है। तो ये कौन शायर में से? अल्लाह के जिससे दीनी अमल जुड़ा हुआ है, शायर उनको कहते हैं जिससे कोई दीनी अमल जुड़ा हुआ है। तो सफा और मरवा ये दो क्या हैं? पहाड़ कहां है? कहां है? मक्का में है। तो मक्का में दो सफा और मरवा पहाड़ है। तो इन हज में क्या किया जाता है? किसके बीच में? काबा और मदीना के बीच में, सफा और मरवा के बीच क्या करते हैं? सई के माना क्या है? कोशिश करना, दौड़ना, दौड़ना। इनमें तरतीब क्या है? पहले किसका नाम लिया? नंबर दो पे मरवा। तो जब सही शुरू करते हैं कहां से शुरू करते हैं? क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही वहां से शुरू की। लेकिन आपने ये करते हुए कहा, आपने जुमला एक कहा जो बहुत अहम है, अबदाउ बिमा बदा अल्लाहु बिही, मैं वहां से शुरू करता हूं जहां से अल्लाह ने शुरू किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब दो पहाड़ हैं, यहां से वहां जाना, वहां से वहां जाना, डिस्टेंस में फर्क आने वाला है। आप पुणे से बंबई गए, पर नहीं, नेक्स्ट टाइम जल्दी अपने को आने का तो अपन बंबई से पुणे जाएंगे, छोटा हो जाता है, ऐसा होता, डिस्टेंस सेम रहता है, चाहे यहां से वहां जाए, वहां से यहां जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? मैं वहां से शुरू करता हूं जहां से अल्लाह ने शुरू किया। तो तरतीब के एतबार से अल्लाह ताला का कुछ अल्फाज को पहले और कुछ बाद में जिक्र करना उसकी अहमियत को बताता है, उसकी तरतीब को बताता है। और ये सबसे ज्यादा कौन समझता था? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए जिन अल्फाज में कुरान करीम में, एक अब आप दूसरी जगह देखें कि अल्लाह ने ईमान के साथ अमल को जिक्र किया है कि नहीं किया है, आम तौर से कोई एक मिसाल, मिसाल के तौर पर ऐसी सूरत बताइए जो आम तौर से बच्चों को भी याद है जिसमें ये दो बात आई है, सूरे अल-असर। क्या है वो सूरत, कौन पढ़ेगा उसकी आयतें?
इल्ला लदीना आमनू, नंबर एक, वामिलु सालिहात, के सब खजाने में सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमल किए। और ऐसी कोई सूरत आपको याद है जिसमें ऐसा वापस आ रहा है? वत्तीनी वज़ैतून, अरे क्या है उसमें? इल्ला लदीना आमनु वा आमिलु सालिहात, सिवा उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। कई जगहों पर कुरान करीम में, कई जगहों पर आप देखते रहें, आपको मिलेगा अल्लाह ने ईमान और नेक अमल, ईमान और नेक अमल का जिक्र किया है। तो बार बार इस तरतीब को अल्लाह का जिक्र करना क्या बताता है कि अल्लाह के नजदीक ज्यादा अहम क्या है? ईमान है। और अमल अहम है कि नहीं है? है। कैसा मालूम पड़ा? बार बार जिक्र हो रहा है इसलिए अहम है मालूम पड़ा। लेकिन नंबर एक पे ईमान को रखा और नंबर दो पे अमल सवाले को रखा, इससे मालूम पड़ा ईमान की अहमियत ज्यादा है। तो कुरान करीम में कई जगहों पर अल्लाह ने ईमान और अमल, ईमान और अमल इसी तरतीब से जिक्र किया है। इससे मालूम होता है कि अमल के मुकाबले में ईमान ज्यादा अहम है, अमल के मुकाबले में ईमान ज्यादा अहम है। इसकी मिसाल सूरह अल बकरा की एक आयत, आयत नंबर 82, अल्लाह ताला फरमाता है وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ। نمبر ایک, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے, نمبر ایک, نمبر دو, أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ, یہ لوگ جنت والے ہیں, جنت میں جائیں گے. نمبر تین, هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, वो उस जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। तो ईमान व अमल, ईमान व अमल की बुनियाद पर जन्नत में दुखूल भी है और खुलूद भी है, दाखिल भी होंगे और हमेशा रहेंगे। खुलूद के माना क्या है? हमेशा रहना, खालिदून, हमेशा हमेशा रहेंगे। तो ईमान व अमल जन्नत में जाने का जरिया है। और जो जन्नत में गया वो कौन सी तारीख को निकलेगा वहां से? हमेशा रहेगा। जन्नत में से किसी को निकाला जाएगा? कुछ काम को भेजेंगे बाहर, जन्नत में हमेशा रहेंगे। जन्नत वाले हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, कहीं कभी निकाले नहीं जाएंगे। तो इस आयत से एक बात ये मालूम हुई कि कुरान करीम में कई आयात में अल्लाह ताला ने अमल से पहले ईमान का जिक्र किया, जिनमें से एक मिसाल सूरह अल असर की है, वल असर, दूसरी वत्तीनी वज़ैतून, और तीसरी ये है जिसमें अल्लाह ने बताया जन्नत में जाने के लिए ईमान भी चाहिए और नेक अमल भी चाहिए, और जो ईमान और अमल के साथ आएगा वो जन्नत में जाएगा और हमेशा रहेगा। इससे इन दोनों चीजों की अहमियत मालूम पड़ती है, नंबर एक। नंबर दो, दोनों में ईमान की अहमियत ज्यादा है मालूम होता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसको अमल से पहले जिक्र किया। समझ में आया? इंशाल्लाह इससे बाकी जो है अगले दर्स में हम देखेंगे।